उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और कृषि मंत्री के द्वारा अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उद्यान विभाग में किसानों की आय दोगुनी हो सके और सेब की पैदावार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए अधिकारियों को परियोजनाओं पर तय समय पर काम करने के, बीज पौधा और लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद किसानों में वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अगर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि राज्य में हॉर्टिकल्चर और कृषि का क्षेत्र भी विकसित हो सके। कांग्रेस के जो नेताओं की स्थिति हो गई है, चाहे प्रीतम जी हो चाहे हरीश रावत जी, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी अपने सेंटर के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है अपने आप को स्थापित करने के लिए। हरीश रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं, मैंने देखा था कुछ दिन पूर्व कई सड़कों में वो थी, पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारी से फोन से बात कर सकते थे, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहां धरने पर बैठ गए रोड पर। आज प्रीतम जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं,